जम्मू के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल का पार्थिव शरीर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। हिमाचल के प्रमोद नेगी का भी पार्थिव शरीर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। चमोली के गैरसैंण निवासी हैं रुचिन रावत। शहीद होने की खबर लगते ही उत्तराखंड में शोक की लहर। रुचिन रावत 9 पैरा कमांडो में तैनात थे। श्रद्धांजलि देने के बाद सेना के वाहन से दोनों शहीदों को सड़क मार्ग द्वारा उनके गांव ले जाया गया। नवभारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से आरती वर्मा की रिपोर्ट। जहां एक और हम सब लोगों के लिए आज दो पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं, हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं। जहां हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिवार के साथ रूप से देखिए, हमारी सरकार हमेशा सैनिकों के साथ खड़ी है, हमारे शहीदों के साथ खड़ी है और जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहें। हमारी सरकार भी काम करे और हम उस दिशा में काम करें। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई जमाने हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी जी, जिनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सलाम करने, उनको नमन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार ने कहा है कि इनके नाम पर हम सड़क या विद्यालय के नाम पर बनाएंगे। हमने यह भी तय किया है कि इनके परिवार के एक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक हम 23 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन शहीद परिवारों के साथ में है।